नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल मैकेनिक हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, गियर रेशियो के ऊपर है। जो कंपाउंड टाइप गियर बॉक्स होते हैं दोस्तों, उसको गियर रेशियो हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पता करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझिए, गियर बॉक्स यूज कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं। तो दोस्तों, गियर बॉक्स का इंडस्ट्री में यूज किया जाता है दोस्तों, और इसका काम होता है दोस्तों आरपीएम को कम करना और टॉर्क को बढ़ाना, और आरपीएम को बढ़ाना, टॉर्क को कम करना, ये दोनों का करता है दोस्तों। गियर बॉक्स आरपीएम को बढ़ाता भी है, आरपीएम को कम भी करता है, ठीक है दोस्तों। जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे गियर बॉक्स लगाए जाते हैं। अगर गियर बॉक्स हम लगाते हैं दोस्तों, अगर उसके गियर का आरपीएम अगर बढ़ाने के लिए लगाएंगे तो टॉर्क कम हो जाएगा, और अगर गियर बॉक्स का आरपीएम कम करने के लिए लगाते हैं गियर बॉक्स, तो उसका टॉर्क बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसके दोस्तों, इसके गियर बॉक्स के टीथ के माध्यम से हम कैसे गियर रेशियो निकाल सकते हैं, कैसे पता करते हैं इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं हम लोग। तो इसका जो, जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों आप ये डायग्राम में, ये कंपाउंड गियर बॉक्स का अरेंजमेंट है, कुछ ऐसा ही होता है जिसमें दो से अधिक गियर होते हैं, और आप देख रहे हैं कि T1 जो ये आपका इनपुट गियर बॉक्स है, इनपुट जो गियर है T1 T2 से कनेक्टेड है, और आपका ये T3 और T4 ये आपस में दोनों कनेक्टेड है, ठीक है दोस्तों। तो इसके टीथ के माध्यम से, जैसे देखते हैं इसका वो होता है टीथ को हम टी से डोनेट करते हैं दोस्तों। T1 हो गया, इसका टीथ है T1 हो गया, और इसका आरपीएम जो A1 हो गया, ठीक है दोस्तों। जैसे दूसरे के देखेंगे T2 हो जाएगा 40, इसका टीथ नंबर अब 40 है, और N2 इसका आरपीएम हो जाएगा दोस्तों, और इसका T3 के देखेंगे नंबर ऑफ टीथ 14 है, और N3 इसका आरपीएम हो जाएगा। फिर T4 का देखेंगे तो T4 आपका नंबर ऑफ टीथ 84 है, और N4 इसका हो जाएगा, इसका आरपीएम, ठीक है दोस्तों। तो आइए फार्मूले के माध्यम से समझते हैं, इसका रिलेशन होता है दोस्तों N1 T1, ठीक है दोस्तों। N1 हो गया आपका आरपीएम, और T1 हो गया नंबर ऑफ टीथ, ठीक है दोस्तों। तो N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2, अगर क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका तो N2 T2 T1, तो इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो N2 इज इक्वल टू N3, क्योंकि ये दोनों एक ही शाफ्ट में लगे हुए हैं, इसलिए दोनों का जो आरपीएम होगा सेम होगा दोस्तों। जो इसका T2 का आरपीएम होगा वही T3 गियर का आरपीएम होगा, इसलिए ये N2 इज इक्वल टू N3, इसके इक्वेशन टू मान लेते हैं। अब हो गया अपने पास N3 T3, ठीक है दोस्तों, N4 T4, N3 T3, N4 T4, ये आपका हो गया। तो इसका मल्टीप्लिकेशन N3 N4 T4 T3 क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा। अब अपने पास क्या बचा दोस्तों, अपने आपको निकालना है N1 N4, ठीक है दोस्तों। N1 ये इनपुट गियर का, N4 आउटपुट गियर का, दोनों का वो निकालना है आरपीएम, इसका कितना, इसका आरपीएम कितना होता है, कि उस हिसाब से फिर रेशो निकल जाएगा आपका। तो N1 N2 और आपका फिर मल्टीप्लाई N2 N3 मल्टीप्लाई N3 N4, तो N2 N3 तो कट जाएगा क्योंकि दोनों एक ही साफ्ट में है, दोनों का आरपीएम सेम होगा, इसलिए दोनों आपस में ये कट जाएंगे। और अपने पास क्या बचा दोस्तों, अपना बचा T2 T1, सॉरी हाँ N1 N4, फिर इसमें आपका T2 T1 हो जाएगा नंबर ऑफ टीथ T2 T1 मल्टीप्लाई 1, फिर T4 T3 इसका टीप। तो इसका अगर सारों का मान अगर हम रख देते हैं तो T2 आपका कितना है दोस्तों, T2 आपका हो गया 40, नंबर ऑफ टीथ 40, T1 हो गया आपका नंबर ऑफ टीथ 8, और 1 हो गया फिर आपका आएगा ये नंबर इसका T4 नंबर ऑफ टीथ 84, T3 नंबर ऑफ टीथ 14। अगर इसको हम वो करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो कुछ हमारा ये आएगा जिसमें से 420 और ये 14 जिसमें से कट गया, 30/1 बचा ये, तो ये आपका ये 30 जो है दोस्तों ये N1 है, 30 जो हो गया आपका ये N1 है, और आपका N4 हो गया 1, ठीक है दोस्तों।
तो इसका जो आरपीएम होगा एक होगा दोस्तों, इसका आरपीएम होगा 30। तो ये जब ये दोस्तों 30 चक्कर काटेगा, जब 30 इसका आरपीएम 30 होगा, 30 चक्कर मतलब इसके एक चक्कर में ये 30 चक्कर काटेगा, ठीक है, ये 30 राउंड लेगा तो जाके इसका एक राउंड होगा। तो कुछ ऐसा इसका ये होता है दोस्तों, फार्मूला है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।